द रिसेप्टर फॉर द ड्रग्स शोन बिलो आर लोकेटेड इन तो जो डायग्राम दिया हुआ है मॉर्फिन का दिया हुआ है और मॉर्फिन ऑपॉइट कैटेगरी को बिलोंग करता है एंड इसके रिसेप्टर्स होते हैं सीनस एंड जी में द पैथोजन रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग एलिफेंटियासिस आर ट्रांसमिटेड टू हेल्थी पर्सन थ्रू तो ये ट्रांसमिटेड होते हैं फीमेल मॉस्किटो वैक्टर से इंटरफेरॉन आर सिकेड बाई इंटरफेरॉन एंटी वायरल प्रोटीन्स होते हैं वायरस इन्फेक्टेड से रिलीज करते हैं द टाइप ऑफ इम्यूनिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रैफ्ट रिजेक्शन बाई ए रिसिपियंट बॉडी इज ग्रैफ्टिंग का रिजेक्शन जो होता है मेनली होता है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी से विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट हिपेटाइटिस बी वैक्सीन इसके लिए ईस्ट का यूज होता है द क्लास ऑफ एंटीबॉडीज इन्वॉल्व इन एलर्जिक रिएक्शन आई जी ई द सेल ऑफ द मेलेक्ट ट्यूमर एक्सबिट मेटाइस्टेसिस रिसेप्ट आर फाउंड इन जी आई टी एंड सी एन एस विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग एक्स वाई इंटरफेयरिंग विद ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर डोपामिन डो डोपामिन के लिए इंटरफेयर करता है कोकीन इन्फेक्शन विथ हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी इस्पेली इन चिल्ड्रन कॉजेस नमोनिया एल्कोहल प्राइमरि मेटाबोलाइज्ड इन फेल्कोहल का प्राइमरी मोटाबोलाइड लीवर में होता है जहाँ ये डिस्टर्ब करता है ग्लाइकोलिसिस एंड साइकिल ए नॉर्मल जीन दैट कोड्स फॉर प्रोटीन दैट हेल्प्स टू रेगुलेट सेल ग्रोथ एंड डिफ्रेंसी एंड कैन ड्यू टू म्यूटेशन और इंक्रीज एक्सप्रेशन लीड टू न्यो प्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन मानी कैंसर सेल में ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं तो ऐसे नॉर्मल जीन्स को नाम देते हैं प्रोटो ऑक्कोजींस विच ऑफ़ द फॉलोइंग फंजाई इज नॉट कैपेबल ऑफ कॉजिंग रिंग वर्म इन्फेक्शन इन मैन ट्राइकोडर्मा ये अपर थ्री कॉज करती हैं प्रोटो ऑक्कोजिन आर सीन इन नॉर्मल सेल डी एन ए डैमेज लीडिंग टू न्यू प्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन कैन बी ब्रॉट अबाउट बाई एनेजिंग रेडिएशन लाइक गामारेज द प्रोटोजोवन दैट कॉजेस मलेरिया इन ह्यूमन आर तो प्रोटोजोवन प्लाज्मोडियम से होता है वो प्रोटोजोआ के इस पूर्व को बिलोंग करता है माल्ट कॉन्स्टिट्यूट अबाउट फिफ्टी परसेंट ऑफ लिम्फाइट टिश्यू विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ डिजीज इज कॉज्ड बाई बैक्टीरिया कॉलरा एंड टिटनेस विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग एड्स कॉजिटिव एजेंट एच आई वी ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि एच आई वी इज एनवेलप्ड वायरस दैट कंटेंट्स टू आइडेंटिकल मॉलिक्यूल ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड आर एन एंड टू मॉलिक्यूल ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रपटेज अस्थमा में भी एंट्रीब्यूटेड टू तो अस्थमा के लिए एलर्जिक रिएक्शन ऑफ मास्ट सेल इन द लंग्स इन हाइयर वर्टिब्रेट द इम्यून सिस्टम कैन डिस्टिंग्विश सेल्फ सेल एंड नॉन सेल्फ इफ दिस प्रॉपर्टी इज लॉस्ड तो अगर ये प्रॉपर्टी सेल्फ और नॉन सेल्फ डिफ्रेंसिएशन की लॉस्ट हो जाती है तो पर्सन सफर करता है ऑटो इम्यून डिजीज एंटीवेनम इंजेक्शन कंटेंस परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज while polio drop that are administered into body contains attenuated pathogen which of the following immunoglobulin dutch constitute the largest percentage in human milk if you suspect measured efficiency of antibodies in a person to which of the following would you like for confirmatory evidence the antibodies scale serum globulin which of the following disease is caused by protozoan बेबिसियोसिस सेफ्लिस आपकी बैक्टीरिया से इन्फ्लुंजा वायरल ब्लास्टोमाइकोसिस फंगल डिजीज विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस इज़ नॉट ट्रांसफर्ड थ्रू सीमेन ऑफ एन इन्फेक्टेड मेल क्योंकि नहीं ट्रांसफर होता है चिकन गुनिया वायरस इंसेक्ट मॉस्किटो से ट्रांसफ़र होता है विच इज़ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ द्रग डेट इज ऑप्टेन फ्रॉम द प्लाट हुन फ्लावरिंग ब्रांचिज सोनबिलो धतूरा का डायग्राम ब्रांच दिया हुआ है जो कि हेलोसिनोसन की, की तरह वर्क करता है मोटाइल जाइकोट ऑफ प्लाजोडियम अक्कर तो प्लाज्मोडियम का मोटाइल जाइकोट बनता है सेक्चुअल साइकिल में गट ऑफ फीमेल मॉथ इीज द सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी इन साइड द ह्यूमन बॉडी इज कैरीड आउट बाई द सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी के लिए टी टीलफोसाइट वायरल टेस्ट इज कैरीड आउट टू टेस्ट टाइफाइड फीवर कॉमन कोल्ड डिफर फ्रॉम निमोनिया इज दैट निमोनिया एंड कॉमन कोल्ड में डिफरेंस तो मेन डिफरेंस है कि निमोनिया इन्फेक्ट एवलाई ऑफ लंग्स एंड कॉमन कोल्ड इफेक्ट नोज एंड एंडपायरेटी पैसेज बट नॉट द लंग्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ कैंसर सेल वेयर द रिमेनिंग थ्री आर कौन सी कैंसर सेल की प्रॉपर्टी नहीं है दे शो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन कॉन्टैक्ट इनहिबिशन कैंसर सेल नहीं शो करती ये शो करती हैं नॉर्मल सेल सिरोसिस ऑफ लिवर इज कॉस्ड बाई क्रोनिक इनटेक ऑफ एल्कोहल सर्टन पेशेंट इज सस्पेक्टेड टू बी सफरिंग फ्रॉम एड्स विच डायग्नोस्टिक टेक्निक विल यू रिकमेंडेड फॉर इट डिटेक्शन एड्स के लिए एच आई वी के लिए एलिसा विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज फिजियोलॉजिकल बैरियर टू द एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम इन ह्यूमन बॉडी तो फिजियोलॉजिकल बैरियर की तरह टीयर्स हुएर विलयू लुक फॉर स्पोरोजॉइट ऑफ ए मलेरियल पैरासाइट तो स्पोरोजॉइट इन्फेक्टिव स्टेज होती है जो कि दिखाई देगी सेलाइवो ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एंड ऑफिस सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द वंस गिवन बिलो इनमें से जो सही स्टेटमेंट है वो ये दिया हुआ है कि मॉर्फिन इज ऑफन गिवन टू ए पर्सन हु हैव अंडर सर्जरी एज ए पेन किलर रिंग वर्म इन ह्यूमन इज कॉज बाई फंजाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू एड्स एड्स की रिस्पेक्ट में ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि द पॉजिटिव रेजेंट एच आई वी डिट्रो वायरस एंटरस हेल्पर डील इम्फोसाइट एंड रिड्यूसेस इट्स नंबर यूज ऑफ एंटी हिस्टामिन ड्रग एंड स्टीरोइड गिव्स ए क्विक रिलीफ फ्रॉम तिम्स बेसिकली क्विक रिलीफ देते हैं एलर्जिक रिएक्शन से विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेयर ऑफ वायरल डिजीज कॉमन कोल्ड एंड एड्स ए पर्सन लाइकली टू डेवलप टिटनेस इच इम्यूनाइज बाई एडमिनिस्टिंग तो टेटनेस के लिए परफॉर्मड या रेडीमेड एंटीबॉडीज ए टी एस की फॉर्म में एंटी टेटनेस सीरम की फॉर्म में ग्लोबुलिन कंटेंट इन ह्यूमन ब्लड प्लाज्मा आर प्राइमरली इन्वॉल्व इन तो ग्लोबुलिन बेसिकली डिफेंस मैकेनिज्म इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडी विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट ये है कि मेलिग्न ट्यूमर एक्सबिट मेटास्टेसिस द लेटर टी इन टी लिम्फोसाइट थाइमस The most active phagocytic white blood cell, neutrophil and monocyte. To which type of barrier under innate immunity do the saliva in mouth and the tear from the eye, physiological barrier? Increased asthmatic attack in certain season are related to, to asthma, ke li, basically allergic reaction, inhalation of seasonal pollen. Opium is obtained from which part of the paper somniferum? फ्रूट एंटीबॉडीज इन अवर बॉडी आर कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोप्रोटीन द फॉलोइंग फॉलोइंगपेटाइटिस वायरस आर आर एन एक्सेप्ट एक्सेप्ट हिपेटाइटिस बी हेपेटाइटिस बी वायरस डी एन ए कंटेनिंग वायरस है डबल स्टैंडर्ड डी एन ए कंटेनिंग रेस्ट आर द आर एन ए कंटेनिंग कोकिन इज ए स्टिमुलेंट ऑपटेन फ्रॉम इराइथ्रो कोका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया ऑफ कोलन इज कोलाई एडल्ट ऑफ बुचेरिया बैंक्रोक्टी अटैक लिम्फेटिक सिस्टम द साइट ऑफ द फर्स्ट सेकेंड थर्ड मोल्टिंग ऑफ स्केरिस लारवा आर रिस्पेक्टिवलीकेरिस की जो फर्स्ट मोल्टिंग है वो सॉइल में सेकेंड एंड थर्ड माउल्टिंग एलोलाई ऑफ लंग्स में और अगर फोर्थ मोल्टिंग पूछता तो वो स्माल इंटेस्टाइन में विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैचिंग पेयर ऑफ ये ड्रग एंड कैटेगरी ये मैचिंग पेयर है इन्फिटामिन स्टिमुलेंट कैटेगरी में सेवियर एक्यूट रिस्पिरेटिव सिंड्रोम इज़ कॉज्ड बाय वेरिएंट ऑफ कॉमन कोल्ड कोरोना वायरस द ट्रीटमेंट ऑफ स्नेक बाइट बाय एंटी बेनोम इज एन एग्जाम्पल ऑफ तो बेसिकली एग्जाम्पल होता है आर्टिफिशियल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी का एंटीजन बाइंडिंग साइट इन एन एंटीबॉडी इज फाउंड बिटवीन तो बेसिकली एंटीजन बाइंडिंग साइट एंटीबॉडी में होता है वन हैवी एंड वन लाइट चेन के बीच में विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आई डिजीज ग्लूकोमा दिन रीजन वाई एंटीबायोटिक्स कोड नॉट सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ बैक्टीरिया मेडिएटेड डिजीज़ क्योंकि एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया रिलेटेड डिजीज की सारी प्रॉब्लम्स को सॉट आउट नहीं कर सकते इसका मेन रीज़न होता है कि द डेवलपमेंट ऑफ म्यूटेंट स्टेन रजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इंक्लूड्स ऑल बैक्टीरियल डिजीज सारी की सारी बैक्टीरियल डिजीज आपकी इस एग्जाम्पल में है डिप्तीरिया एंड प्लेग वॉट डज टी स्टैंड फॉर डीपीटी वैक्सीन टीपीटी डिप्तीरिया प्रोड्यूसिस एंड टिटनेस कम्बाइंड वैक्सीन है सी डी फोर रिसेप्टर इज एसोसिएटेड विद एच आई वी वायरस अटैक करता है सी डी फोर रिसेप्टर के थ्रू एच आई वी एड्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट कौन सा स्टेटमेंट सही है कॉमन कोल्ड ड्रॉपलेट इंफेक्शन से सही है टाइफाइड कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर से सही है एड्स सेकिंग हैंड से गलत है सेकिंग हैंड से एड्स नहीं फैलता रिंग वार यूजेज इनफेक्टेड टॉबल सही है थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग विच ऑफ द फॉलोइंग पैथोजन इज नॉट ट्रांसमिटेड बाई वाई वेक्टर कौन सा वैक्टर के थ्रू ट्रांसमिट नहीं होता सिंपल सेलमोला टाइफी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट प्लांट से कौन सा डेराइव नहीं है डी डी टी ये फिगर दिया हुआ है अब पूछा गया है कि ये किस मतलब पॉजिटिव एजेंट से शो कर रहा है तो ये बेसिकली पॉजिटिव एजेंट है बोचे ब्रंकोफटाइक का शॉर्ट लिव्ड इम्यूनिटी एक्वायर्ड फ्रॉम मदर टू फीटस प्लेसेंटा थ्रू मदर्स मिल्क टू इन्फेंट इज कैटेगराइज है बेसिकली होती है पैसिव इम्यूनिटी नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी एच आई वी वायरस का जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्टैंडर्ड आर एन ए द डिजीज कॉज्ड बाई लीशमैनिया ट्रांसमिटेड बाई फ्रीटोम्बस इजिस्मानिया के द्वारा होता है काला आजार टाइफ फीवर इज कॉल्ड बाई स्पीसी टाइफी एच आई वीज ए मेंबर ऑफ ए ग्रुप ऑफ वायरस कॉल्ड रेट्रोवाइरस द टाइप ऑफ इम्योनोग्लोब्लिन प्रेजेंट इन फिटस इम्यूनोफिटस में जो इम्योग्लोब्लिन प्रेजेंट है मदर के द्वारा जाने वाला आई जी जी ब्लड सेल दैट इंक्रीज इन नंबर ड्यूरिंग एलर्जिक कंडीशन लाइक अस्थमा तो उस कंडीशन में यूसनोफिल का नंबर इंक्रीज करता है एलर्सटी इज हेल्यूसिनेशन ड्यूरिंग एन एलर्जिक रिएक्शन द बाइंडिंग साइट फॉर एंटीजन टू आई जी ई एंटीबॉडीज़ इनिशिएटिव रिस्पॉन्स इन विच केमिकल कॉजिज द डायलेसन ऑफ ब्लड वेसल एंड ए होस्ट टू अदर फिजोलॉजिकल चेंजेस सच केमिकल्स आर तो एलर्जिक रिएक्शन में ऐसे केमिकल्स हैं हिस्टामींस ए कॉमन यूज ऑफ निमोनिया ए कॉमन कॉज ऑफ निमोनिया इन ह्यूमन निमोनिया के लिए ह्यूमोफलस इन्फ्लुएंजी द केनाबेनोइट रिसेप्टर आर प्रिंसिपलीटेड इन सी एन एस द अदर लोकेशन हुएर दे आर प्रेजेंट तो कैनाबेनोइट के अदर रिसेप्टर्स को एनसीआर टी ने लास्ट में एकदम दिया हुआ है कैनाबेनोइड में कार्डियो सिस्टम तो उससे आंसर जाएगा हार्ट ए प्लाज्मा सेल इज ए बी सेल दैट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज द इपीटोप इज तो इपीटोप बेसिकली एंटीजन का वो पार्ट है पार्ट ऑफ एंटीजन दैट इज बाउंडेड बाई एंटीबॉडी वाट टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज इंक्लूडेड बाई हिपेटाइटिस बी वैक्सीन तो वैक्सीनेशन के केस में आर्टिफिशियल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी वे इन सर्चिंग फॉर ए डॉनर फॉर एन ऑर्गन ट्रांसप्लांट डॉक्टर ट्राई टू मैच द तो बेसिकली ग्रेफ्टिंग के केस में डॉक्टर मैच करते हैं एमएचसी प्रोटीन मेजर हिस्टा कॉम्पेटेबिलिटी प्रोटीन द एंटीजन बाइंडिंग साइट ऑफ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल आर फॉर्म्ड फ्रॉम द मॉलिक्यूल्स ऑफ वेरिएबल रीज़न वाई आर दीज रीजन डिस्क्राइबड एज वेरिएबल तो वेरिएबल रीजन कहने का मेन रीज़न होता है कि द माइनोसिड सिक्वेंस ऑफ दिज रीजन आर वेटली एमंग एंटीबॉडीज फ्रॉम डिफरेंट बी सेल प परसन विथ ब्लैक बाइल वर कंसिडर टू बी ये जैसे ही चैप्टर शुरू होता है उस जगह पर पॉइंट दिया हुआ है कि ब्लैक बाइल के लिए की बिलोंग्स टू हॉट पर्सनॉलिटी एंड हैविंग फीवर्स केमिकल्स प्रोड्यूस्ड बाई वायरस इन्फेक्टेड सेल दैट अलर्ट नेबरिंग सेल टू प्रिपेयर डिफेंस ये केमिकल्स वायरस इन्फेक्टेड सेल के कहलाते हैं इंटरफेरॉन फॉलोइंग आर सम सिमटम फाइंड द डिजीज एसोसिएटेड विथ इट अब इसमें कुछ सिम्टम्स दिए हुए हैं सस्टेन हाई फीवर वीकनेस हेडैक कॉन्स्टिपेशन ये सारे फीवर्स एसोसिएटेड हैं टाइफाइड ए कुक कैरियर ऑफ ए डिजीज एंड स्प्रेड द डिजीज फॉर मेनी ईयर्स बाई द फूड सी प्रिपेयर्ड दिस इन्फॉर्मेशन इज एसोसिएटेड विथ क्लासिक केस ऑन मेडिसिन दैट इज ते बेसिकली है मैरी मिलोन जिनको निक नेम दिया गया टाइफाइड मैरी इन्फेक्शन ऑफ एल्वलाई ऑफ लंग्स एल्बलाई बिकम्स फ्लूड फील्ड एंड लीड टू सेवियर प्रॉब्लम इन डिस्परेशन आर करेक्टरिस्टिक ऑफ तो बेसिकली निमोनिया का केस है बैक्टीरियल डिजीज़ द फॉलोइंग सिम्टम्स आर एसोसिएटेड विथ दिस डिजीज फीवर चिल्स कफ हेडेक लिप्स एंड फिंगर नेल्स में टन ग्ले टू ब्लूविस बेसिकली निमोनिया का सिम्टम है अब ये कुछ डिजीज़ दी हुई हैं टाइफॉइड निमोनिया डिसेंट्री प्लेग डिफ्टीरिया पूछा गया इनमें से वायरल डिजीज कितनी है इसमें से कोई भी वायरल डिजीज़ नहीं है जीरो बाई इनहेलिंग एरोसोल रिलीज बाई इन्फेक्टेड पर्सन कॉजेस स्प्रेडिंग ऑफ विच डिजीज सर्टेनली एरोसोल मतलब ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा मेनली होता है निमोनिया द इन्फेक्शन ऑफ नोज एंड रिस्पायरेटरी पैसेज बट नॉट लंग्स इज डिस्टिंग्विश फीचर ऑफ कॉमन कोल्ड द सिम्प्टम ऑफ कॉमन कोल्ड लास्ट फॉर डायरेक्ट एन सी आर टी लाइन है थ्री टू सेवन डेज सेक्शुअल रिपोडक्शन ऑफ प्लाजमोडियम अकर इन सेक्चुअल साइकिल मॉस्किटो गट में ऑपरेट होती है अमीबियासिस और अमीबिक डिसिनटीज कॉज बाई हिस्टोलेटिका जो कि प्रोटोजोन है और पैरासाइट है लार्ज इंटेस्टाइन का द फॉलोइंग सिम्टम्स कॉन्स्टिपेशन एब्डोमिनल पेन क्रैम्प पिस्टूल विथ एक्सेस म्यूकस ये सारे सिम्टम्स हैं अमीबियासिस के विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इंटेस्टाइनल पैरासाइट इंटेस्टाइनल पैरासाइट कौन सा नहीं है प्लाजमोडियम द ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसिस इज ए सिम्टम ऑफ द इन्फेक्शन ऑफ द इंटेस्टैनल पैसिस का ब्लॉकेज होता है एस्केरियासिस में इन फाइलेरिया फैलेरासिस में लिम्फेटिक वेसल ऑफ लोअर लिम्ब इफेक्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैक्टरबॉन डिजीज वैक्टरबॉर्न डिजीज इनमें से कौन सी नहीं है एस्केरिया रिंग वर्म आर करेक्टराइज बाई डायरेक्ट एनसीआर टी लाइन है देखिएगा इसे कि ड्राई एंड स्केलीसन ऑफ स्किन नेल्स एंड स्कैल्प गेम्बूसिया एक फिश है जो कि इंट्रोड्यूस की, की गई मॉस्किटो लार्वा को फिट करने के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिजोलॉजिकल बैरियर ये ऊपर के तीनों फिजोलॉजिकल बैरियर के एग्जाम्पल हैं म्यूकस कोटिंग ऑफ इपिथिलियो ऑन स्पैट्री ट्रैक्ट फिजिकल बैरियर का एग्जाम्पल है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेलुलर बैरियर कौन सा सेलुलर बैरियर नहीं है ये अपर थ्री सेलुलर बैरियर के एग्जाम्पल्स हैं वायरस इन्फेक्टेड सेल इज़ नॉट एग्जाम्पल ऑफ सेलुलर बैरियर एनेमनेस्टिक रिस्पॉन्स इज जनरेटेड बाई तनेमस्टिक रिस्पॉन्स सेकेंडरी रिस्पॉन्स की सेकेंड इंट्रेक्शन ऑफ पैथोजंतु द बॉडी सेकेंडरी रिस्पांस द रिस्पांस जनरेटेड बाई एंटीबॉडीज़ इज कॉल्ड एंटी बॉडीज जनरेटेड रिस्पांस होता है एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी या ह्यूमरल इम्यूनि रिस्पांस इन द स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी विच टर्मिनल हैज एंटीजन बाइंडिंग साइट तो एंटीजन बाइंडिंग साइट मेनली होता है इस अपर टर्मिनल में जो कि एन टर्मिनल कहलाता है हैवी चेन का ये एंड है सी टर्मिनल तो आंसर आएगा एन टर्मिनल विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लिम्फाइड ऑर्गन कौन सा लिम्फाइड ऑर्गन नहीं है थायरोइड द फॉर्मेशन ऑफ द इफेक्टर लिफोसाइट विल अकर इन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि फॉर्मेशन ऑफ इफेक्टर लिम्फोसाइट लिम्फोसाइट का जब प्रोलीफरेशन होता है तो तब वो इफेक्टर की तरह वर्क करते हैं और वो प्रोलीफरेशन होता है सेकेंडरी लिफोइाइड ऑर्गन में आपको इन चारों में से देखना है कौन सा सेकेंडरी लिफाइड ऑर्गन का एग्जाम्पल है अपेंडिक्स एच आई वी इज नॉट एच आई वी क्या नहीं है इनमें से रेट्रोवायरस से है इनवेलप है आर एन ए जिनोमिचीज नेकेड नो नेकेड नहीं है द इंडिविजुअल हुआ आर नॉट एट हाई रिस्क ऑफ एड्स कैन बी इनमें से कौन सा केस है जिसमें एड्स होने की संभावना नहीं है इंडिविजुअल अंडर गोन ब्लड ट्रांसफ्यूजन बिकॉज एन एक्सीडेंट एक्सीडेंटल केस में ब्लड ट्रांसफ्यूजन से एड्स होने का चांसेस नेग्लिसिबल है विच सेल ऑफ द बॉडी एड्स लाइक एच आई वी फैक्ट्री एच आई वी इन्फेक्टेड माइक्रोफेजेस अब इसमें कुछ लोगों को डाउट है हेल्पर टी सेल बट नॉट हेल्परटी सेल इज गिवेन एज एच आई वी इन्फेक्टेड नेको स्टैंड फॉर नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट फियर्ड प्रॉपर्टी ऑफ मेलिग्न ट्यूमर सबसे डरावनी प्रॉपर्टी होती है स्प्रेडिंग मेटाइस्टेसिस विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कार्सिनोजन कैंसर कॉजिंग एजेंट कौन सा नहीं है फिजिकल होते हैं केमिकल हैं बायोलॉजिकल हैं फिजोलॉजिकल विच ऑफ द फॉलोइंग डिटेक्शन टेक्निकल वॉल्व स्टेनिंग एंड माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन स्टेनिंग एंड माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन बायोप्सी। नेचुरल कैनाबिनोइड आर ऑप्टेंड फ्रॉम इन्फोर्सेंस कोका एल्कोलॉयड इज ऑपटेंड फ्रॉम कोका प्लांट, दायलम कोका नेटिव टू साउथ अमेरिका एक्सेसिव डोजेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कॉज हेल्युसिनेसन हेल्युसिनेशन के लिए एक्सेस डोज ऑफ कोकिन विच ऑफ़ द फॉलोइंग प्ल्ट डज नॉट प्रोसेस एलुसिनेशन प्रॉपर्टी किसके पास एलुसिनेशन प्रॉपर्टी नहीं है एक्ट्रोपा के पास भी है दतूरा के पास भी है रथ्रोदालम कोका के पास भी है पेपेपर सोमनी फम के पास नहीं है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज़ वेरी इफेक्टिव सीडेटिव एंड पेन किलर एंड यूज इन द पेशेंट हुन शजरी ये बेसिकली मॉर्फीन वाट डज हार्ड ड्रग मीन हार्ड ड्रग का बेसिक मतलब होता है इन द टर्म ऑफ पोटेंसियल ऑफ एडिक्शन कितना उसका एडिक्शन पावर है इन्ार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड प्रीमेच्योर बैल्डनेस रिडक्शन ऑफ साइज ऑफ टेस्टिकल्स ब्रेस्ट इन्ार्जमेंट सच सिम्टम इन मेल इंडिकेट द ओवर कंजम्पसन ऑफ तो ये बेसिकली ओवर कंजम्पसन होते हैं एनाबोलिक इस्टीराइड्स के मेलिग्नेंट ट्यूमर सॉरी मेलिग्नेट टर्शियन मलेरिया इज कॉज बाई प्लाजमोडियम फेलसीपेरम